दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ ऑस्कर वाइल्ड की, द नाइटिंगेल एंड द रोज। दोस्तों इस कहानी को शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि ऑस्कर वाइल्ड कुछ अलग टाइप की स्टोरीज लिखा करते थे। ये हमें कहानी पढ़ते वक्त समझ में आएगा। ये कहानी है एक लड़के की जो अपने गार्डन में बैठा है, गार्डन यानी कि बगीचे में, और वहाँ बैठा वो अपने आप से कुछ बातें कर रहा है। वो बोलता है, वो कहती है कि तुम मुझे एक सुर्ख लाल गुलाब लाकर दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। शायद किसी लड़की ने उससे ऐसा कहा है, लेकिन उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसके गार्डन में एक भी लाल रोज़ का, गुलाब का फूल नहीं है। पास ही में एक पुराना सा पेड़ था जिस पर एक नाइटिंगेल का यानी बुलबुल का घोंसला था। नाइटिंगेल उसको सुन रही थी, पत्तियों में से झांक रही थी कि वो लड़का कैसे रो रहा था। उसकी आवाज़ आ रही थी, वो रो रहा था कि मेरे गार्डन में तो एक भी लाल गुलाब नहीं है। उस लड़के की खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गई थी, क्योंकि इंसान की खुशी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही तो होती है। उस लड़के के दुख का कारण था सिर्फ एक लाल गुलाब। वो नाइटिंगेल ऊपर से देख रही थी एक सच्चे आशिक को और सोच रही थी कि मैं रातों रातों गाती रहती हूँ, लेकिन इतना प्यार करने वाला आशिक कहाँ देखने को मिलता है। वो लड़का अपने आप में खुसफुसा कर कुछ बोल रहा था कि आज रात को डांस पार्टी है और वो लड़की भी उस डांस पार्टी में मौजूद होगी। बहुत सारे लवर्स, उसको चाहने वाले उसके आगे पीछे घूम रहे होंगे। अगर मैं एक लाल गुलाब ले जाता हूँ तो वो मेरे साथ डांस करेगी, लेकिन मेरे तो इस गार्डन में कोई भी लाल गुलाब नहीं है। ऊपर वो बुलबुल सोच रही थी कि प्यार कितनी कमाल की चीज़ होती है ना, सोना हो या मोती उसको खरीद नहीं सकते। वो लड़का दुख के मारे वहीं पर लेट गया। उसने अपने हाथ अपने फेस पर रख लिए और रोने लगा। तभी अचानक उस बुलबुल के पास में एक छिपकली आती है और पूछती है, ये रो क्यों रहा है? और एक तितली आती है, आखिर ये रो क्यों रहा है? तब उस बुलबुल ने उन्हें जवाब दिया कि ये एक लाल गुलाब के लिए रो रहा है। क्या? वो दोनों हंसने लगे, सिर्फ एक लाल गुलाब के लिए? लेकिन बुलबुल उस लड़के का दर्द समझ सकती थी। उसने अपने पंख खोले और आसमान में उड़ गई। न जाने कितने ही पेड़ उसने पार कर दिए, न जाने कितने ही गार्डन्स उसने पार कर दिए। तभी वो एक खूबसूरत गार्डन के पास में पहुंची जहां पर बहुत सारे गुलाब के फूल थे, और जाकर उसने एक ही चीज़ कही कि मुझे एक सुर्ख लाल गुलाब चाहिए, बदले में मैं अपनी मीठी आवाज़ में आपके लिए गाना गा दूंगी। लेकिन उसे जवाब मिला कि हमारे पास तो कोई गुलाब का फूल नहीं है, आप दूसरी जगह चले जाइए, आपको वहां मिल जाएगा। वो बुलबुल उड़ी और दूसरी जगह जा पहुंची। उसने फिर पूछा वहां जाकर कि मुझे एक लाल गुलाब का फूल चाहिए, मैं अपनी मीठी आवाज में आप जितनी देर बोलोगे उतनी देर गाने को तैयार हूं। लेकिन वहां भी उस गार्डन से उसे जवाब मिला कि हमारे गुलाब तो पीले कलर के हैं, लेकिन तुम वहां चली जाओ, वहां जरूर तुम्हें तुम्हारे पसंद का गुलाब मिल जाएगा। तो नाइटिंगेल उड़कर तीसरी जगह पर पहुंची, वहां जाकर बोली कि मुझे एक लाल गुलाब चाहिए, बदले में मैं अपनी मीठी आवाज में गाना गाऊंगी। वहां पर उस गार्डन में लाल गुलाब थे, लेकिन वहां उसे जवाब मिला कि ठंड के मारे लाल गुलाब जम गए हैं और तूफान की वजह से सारे लाल गुलाब बर्बाद हो चुके हैं इस साल। वो बुलबुल बोली, लेकिन सिर्फ मुझे एक ही लाल गुलाब चाहिए, एक लाल गुलाब से मेरा काम हो जाएगा, प्लीज। वहां उसे जवाब मिला कि एक रास्ता है, लेकिन हम तुम्हें वो रास्ता बताएंगे नहीं क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। वो बोली, मुझे बताओ, मैं डरती नहीं हूं। तो उस गुलाब के पेड़ ने कहा कि अगर तुम्हें लाल गुलाब चाहिए तो तुम्हें पूरी रात गाना होगा और गाते वक्त अपनी छाती को मेरे कांटे से चुभना होगा, और पूरी रात तुम्हें गाना होगा ताकि तुम्हारा लहू मेरे अंदर आ जाए और मेरे अंदर बहकर एक लाल गुलाब तुम्हें मिले। ये एक बहुत बड़ा सौदा था, लेकिन उस बुलबुल ने कहा, एक लाल गुलाब के लिए मैं अपनी जान दे दूं, हाँ ये एक महंगा सौदा है। लेकिन वो ये भी सोचने लगी कि एक पंछी के दिल की क्या कीमत है एक इंसान के दिल के सामने। उसने अपने पंखों को फैलाया और उड़ गई आसमान में, और उड़कर पहुंची उस लड़के के पास जो गार्डन में लेटा हुआ था, रो रहा था, उसकी आंखें अब भी नम थी। बुलबुल ने कहा, रो मत, क्योंकि तुम्हें लाल गुलाब मिल जाएगा, मैं बनाऊंगी लाल गुलाब, मैं उसे अपने लहू से लाल करूंगी।
तुम्हारे प्यार के लिए, क्योंकि प्यार इस दुनिया में सबसे स्ट्रांग, सबसे पावरफुल चीज़ है। लेकिन वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि बुलबुल उससे क्या कहना चाह रही है, क्योंकि उसने तो ज़िंदगी भर किताबें ही पढ़ी थी। लेकिन वो पुराना पेड़ जो साथ में खड़ा हुआ था, जिस पर वो बुलबुल बैठा करती थी, वो सब समझ रहा था। और वो बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसे बहुत पसंद था कि वो छोटी सी बुलबुल उसकी ब्रांचेस पर आकर बैठती थी, और अब वो किसी के लिए अपनी जान देने जा रही थी। उस पेड़ ने बस इतना ही कहा कि मेरे लिए एक आखिरी गाना गा दो, क्योंकि तुम जब चली जाओगी तो मैं बहुत अकेला फील करूंगा। और फिर उस बुलबुल ने उस ओल्ड ट्री के लिए एक सॉफ्ट वॉइस में गाना गाया। उसका गाना बहुत ही प्यारा था। जब उसका गाना खत्म हो गया तो वो लड़का उठा, अपनी पेन पेंसिल उठाई और अपनी जेब में डाली और घर जाकर सो गया। जब रात आई तो वो बुलबुल उड़कर उस रोज ट्री के पास में गई, और जैसा तय हुआ था उसने अपनी छाती में वो कांटा गड़ा लिया और पूरी रात गाती रही। उस ठंडी रात चांद उसका गाना सुन रहा था। पूरी रात वो गाती रही। जैसे जैसे वो गा रही थी, वो कांटा उसके दिल में अंदर तक धंसता चला जा रहा था। वो गाए जा रही थी। फिर एक ब्यूटीफुल रोज सामने आया, वो उगने लगा ब्रांच से। जैसे जैसे वो गा रही थी, वैसे वैसे उसका कलर चेंज हो रहा था। पहले वाइट, फिर मिस्ट, फिर पेल, फिर सिल्वर, और धीरे धीरे वो गुलाब सुर्ख लाल हो गया। लेकिन अब वो कांटा उसके दिल को छू गया था। वो गुलाब तो खूबसूरत लाल हो गया था, डार्क रेड, लेकिन नाइटिंगेल की हालत खराब हो गई थी। उसकी आवाज वीक होती जा रही थी और उसके परों ने फड़फड़ाना बंद कर दिया था। ऊपर आसमान में चांद भी भूल गया था कि रात खत्म हो गई है। वो बस आसमान में उस नाइटिंगेल को, उस बुलबुल को देख रहा था। तभी वो पेड़ चिल्लाया कि देखो देखो, गुलाब पूरा हो गया है। लेकिन बुलबुल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो बेचारी अब जवाब देने के लिए जिंदा कहां थी। दोपहर के वक्त जब उस लड़के ने अपनी खिड़की खोली तो उसने देखा, अरे एक लाल गुलाब, क्योंकि वो पेड़ उसके घर के पास में ही था। इतना लाल गुलाब तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसने फटाफट वो गुलाब तोड़ा और लेकर पहुंच गया अपने प्यार के पास, और उस लड़की के पास जाकर कहा कि ये लो लाल गुलाब, तुमने कहा था तुम मेरे साथ डांस करोगी जब तुम एक लाल गुलाब लाओगे, देखो मैं लाल गुलाब लेकर आया। लेकिन उस लड़की ने पता है क्या जवाब दिया? कहा कि चैम्बरलिन के नेफ्यू ने मेरे लिए ज्वेलरी भेजी है, और एक ज्वेलरी के आगे एक गुलाब की क्या औकात है। और उस लड़के को गुस्सा आया और उसने वो लाल गुलाब फेंक दिया। लड़के ने क्या कहा कि प्यार तो बहुत बेकार चीज है, मुझे तो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। वहां वो गुलाब गलियों में पड़ा, लोगों के पैरों के नीचे दब रहा था। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।